और इस वक्त की एक बड़ी खबर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना। अशोक तंवर, बीजेपी नेता अशोक तंवर एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। घर वापसी कर ली अशोक तंवर ने, कांग्रेस का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी ने महेंद्रगढ़ की रैली में अशोक तंवर को कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अशोक तंवर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में, राहुल गांधी की मौजूदगी में महेंद्रगढ़ में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं, टीएमसी में भी रह चुके हैं और अब अशोक तंवर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, ये नहीं तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस वक्त, ये देखिए तस्वीर फुल स्क्रीन में। अशोक तंवर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको पटका पहनाया, राहुल गांधी ने कांग्रेस का पटका पहनाया और उसके बाद अशोक तंवर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एक बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी राजनीतिक घटना। अशोक तंवर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर खबर अभी तक पर सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, इसके अलावा इसका वीडियो भी अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर की बड़ी खबर, जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। जितेंद्र, किस तरह से देखा जाए अशोक तंवर का कांग्रेस में शामिल होना, महेंद्रगढ़ में किसने उनकी ये भूमिका बनाई कि उनको कांग्रेस में आना चाहिए, क्या है पूरे पीछे की घटना? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें नासिर, ये अपने आप में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस का देखने के लिए मिला है और ये कह सकते हैं कि अंतिम बॉल पे सिक्सर देने का काम जो है वो कांग्रेस का मिला है, क्योंकि लगातार भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता यहाँ पर आ रहे थे वो कुमारी शैलजा के विषय को लेकर के, उनकी नाराजगी को लेकर के दलित कार्ड खेलते हुए कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रही थी, जिसको लेकर के कांग्रेस में पशुपेश की स्थिति, संशय की स्थिति थी कि इस वजह से कहीं जो दलित वोटर है वो उससे ना छटक जाए। लेकिन जिस प्रकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, और इसमें खास बात जो नोटिस करने वाली है, अगर हम इस फोटो को देखते हैं, इस ज्वाइनिंग को अगर हम देखते हैं, भले ही ये राहुल गांधी के मार्फत हुई है लेकिन इस ज्वाइनिंग को अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जो है पटका पहना करके अशोक तंवर को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार जो भाजपा के जो नेता थे अब तक इस बात को लेकर के वार कर रहे थे अशोक तंवर को लेकर के, कि उनके साथ जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे किस प्रकार से उनके साथ जो है जाति हुई थी, उन तमाम बातों को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा को घेरने का काम किया जा रहा था। लेकिन ये तस्वीर अंतिम बॉल पर सिक्सर इसीलिए कही जा सकती है क्योंकि इतनी तमाम खबरों के बाद अब इस प्रकार का जो मास्टर स्ट्रोक अंतिम दिन आज कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, ये अपने आप में गेम चेंजर के तौर पर देखा जाएगा कि किस प्रकार से जो सवाल उठाए जा रहे थे भाजपा की तरफ से अंतिम दौर में वो कैसे कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ कुछ खबरें इस प्रकार की भी है नासिर, कि इस पूरी ज्वाइनिंग के पीछे न सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की सहमति है बल्कि दूसरी तरफ कुमारी शैलजा की तरफ से भी इसमें पैरवी की गई है, कुछ सूत्र इस प्रकार की भी जानकारी यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि कुमारी शैलजा सांसद है सिरसा से और भाजपा के जो प्रत्याशी थे सिरसा से, वो दोनों जो दलित नेता है कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका इस वक्त और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन खासतौर से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लगते हुए नजर आया। शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और हमारे साथ अनिल मोर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। अनिल, अशोक तंवर का कांग्रेस में आ जाना वोटिंग से दो दिन पहले और एक ऐसे वक्त में जब बीजेपी दलितों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रही है, किस तरह से देखा जाए? देखिए नासिर, एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए कह सकते हैं और यूं कह सकते हैं कि शायद बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है और शायद हमने भी थोड़ी देर पहले तक ऐसा नहीं सोचा था कि अशोक तंवर जो अब से थोड़ी देर पहले तक एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वो वोट की अपील कर रहे थे, एकाएक वो कांग्रेस में चले जाते हैं। एक बड़ी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए कह सकते हैं, एक मजबूती कांग्रेस के लिए कह सकते हैं, खासतौर से जब क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 48 घंटे बाद वोट पड़ने हैं, तो ऐसे में और खासतौर से जब बीजेपी की तरफ से लगातार दलितों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा जा रहा था, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे हरियाणा की बीजेपी लीडरशिप हो,
केंद्रीय लीडरशिप और प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरते नजर आए थे दलितों के मुद्दे पर। तो ऐसे में उस वक्त जब दलितों का मुद्दा सबसे ज्यादा उठता था, ऐसे में जो एक बड़े दलित नेता बीजेपी के, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले जाते हैं, एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी की अगुवाई में अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल होते हैं, जो हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। इसके अलावा अगर कांग्रेस की जो केंद्रीय लीडरशिप है वहां से केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। राहुल गांधी की अगुवाई में अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए कह सकते। चुनाव से पहले, चुनाव प्रचार के आखिर दिन, चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले जब अशोक तंवर कांग्रेस में गए, तो बड़ा झटका बीजेपी के लिए है। ठीक, बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और उनसे पहले जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड बता रहे थे कि किस तरह से ये सब कुछ संभव हुआ। और इस वक्त हमारे साथ केवल ढिंगराजी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार केवल ढिंगराजी जी। नमस्कार केवल ढिंगराजी, ये चुनाव से पहले एक सिक्सर मार दिया आपने, वोटिंग से पहले अशोक तंवर को पार्टी में ले आए हैं, आप ही के साथी थे, लेकिन लगातार उनको लेकर, उनका नाम लेकर बीजेपी के नेता आप पर हमलावर थे कि पार्टी में दलितों के साथ किस तरह का सलूक होता है, ये संभव कैसे हुआ, कैसे भूमिका बनी, अशोक तंवर कांग्रेस में आ गए हैं, आप लोगों की तरफ से कोशिश हो रही थी या उनकी तरफ से कुछ अपनी ख्वाहिश जताई गई कि मुझे वापस आना है? देखिए, जो देश की जनता है वो सब समझ रही है। और हरियाणा के अंदर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये सभी वर्गों को साथ लेकर के चलती है, लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल देश के जो हैं वो मुद्दे को भटकाते हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा का कभी प्रेजेंटेशन नहीं करते, वो सिर्फ न सिर्फ भाजपा के मुद्दों को लेकर के, भाजपा के जिस तरह से भाजपा का आकलन है कि सारे वर्गों को तोड़ो और राज करो, जो अंग्रेज किया करते थे वही भाजपा करती है। और ये काम जो है जिस तरीके से बखूबी 10 साल लगातार भाजपा ने किया, आज जो है जो लोग हमारे साथ हमारा साथ छोड़ करके गए थे जी, वो लोग बहकाए गए थे, भटकाए गए थे, फुसलाए गए थे, वही लोग कांग्रेस के अंदर दोबारा वापस शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भटकाए गए लोगों को अशोक तंवर ही नहीं, और भी बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियों के MLA, बहुत सारे जो हमारे पास से छोड़ करके गए थे, वो सभी लोग ज्वाइन करे, उनको ये पता लगा कि भाजपा के अंदर जाकर के धर्म जातियों को तोड़ा जाता है, आपस में भेदभाव किया जाता है, और उन लोगों को फुसला करके शरारत पूर्ण तरीके से उनका, उनके साथ जो है एक साइड पे लगा दिया जाता है, वो सब समझ आ गया, सबको समझ आ रहा है, वही अशोक तंवर जी को भी समझ आ रहा है। आज देखिए, जो उन्होंने एक घटना हुई थी, उस घटना को बीजेपी ने भुनाया, हर रोज बीजेपी के प्रवक्ता एक ही बात कहा करते थे कि उनका गला वो कर दिया, जबकि वो बात सिर्फ उनका सिर फोड़ दिया था, लाठी बरसाई थी, कोई लाठी नहीं बरसाई थी, कोई सिर नहीं फोड़ा था उनके, उन वो वर्करों के बीच में गए, कोई आपस में कोई झड़प रहा होगा तो उन किसी ने किसी को धक्का दे दिया, उसका मुद्दा बना करके भाजपा 10 साल तक लगातार कुठाराघात बीजेपी कांग्रेस पे करती रही। अब थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए उस बीजेपी पार्टी को, जिस तरीके से उन्होंने ये बात बुनाई थी। आज अशोक तंवर उसी पार्टी में वापस आए, और मैं आपको ये बता रहा हूं, हमारी जो पार्टी है वो हर आदमी को साथ लेकर के चलती है, हमारी विचारधारा। ये बताइए केवल ढिंगराजी, अगर आप थोड़ी जानकारी दे पाए कि ठीक है, आप अशोक तंवर शामिल हो चुके हैं, एक बड़ी, इसमें कहने में दो राय नहीं है कि कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि, इसको हम उपलब्धि के मतलब बड़ा एक कांग्रेस की तरफ से ये कदम उठाया गया है, एक बड़ा काम किया गया चुनाव से पहले, एक ऐसे वक्त में जब हरियाणा में 2 दिन के बाद वोटिंग होनी है, लेकिन ये किसी प्रोग्राम में थे, कैसे कोशिश हुई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, उनकी क्या राय रही, कुमारी सैलजा है, राहुल गांधी, ये पहले से तय हुआ था या अचानक से आज ही सब कुछ क्लियर हुआ है कि अशोक तंवर को हमें पार्टी में लाना है? नहीं देखिए, ये उपलब्धि या उसकी बात नहीं है, ये विचारधारा की बात है। अच्छा। हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हर धर्म को साथ लेकर के चलने की है, लेकिन भाजपा इसी के ऊपर प्रहार करती है। भाजपा को कोई 10 साल में अपने काम किए हो तो वो गिनाए ना, 10 साल में सिर्फ कर्जा लिया, घी पिया और घर भाग गए, और हम जब बारी आई इलेक्शन की तो धर्म जातियों में भटकाने लग गए, यही काम है भाजपा का। और आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं, आज जो है जनता को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जिस तरह से संघ जो देश को आपस में भटकाता था और अंग्रेजों के साथ मिल गया था, हमारा देश आजाद कराने के लिए भी
हमारे देशों को भी आपस में बंटवारा करवा दिया। ये जो सारा सिस्टम है ये भाजपा का ही है, और भाजपा ही अगले 30-40 साल तक जो अगली 10 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां आएंगी वो याद रखेंगी इस बात को कि भाजपा जो है वो भटकाती है, फुसलाती है और बहकाती है, और कुछ कई लोग भी उनमें शामिल हो जाते हैं, और वो जनता को भटकाने वाली एक भाजपा पार्टी है जो ये काम करती है, और जो विकास करने की बात है वो कांग्रेस पार्टी काम करती है, जन जन का विकास करने की काम पार्टी करती है, तभी हम काम गिनाते हैं और वो लोग जो है हमारे ऊपर टीका टिप्पणियां करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया केवल ढिंगरा जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो अशोक तंवर कांग्रेस में वापस आ चुके हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, महेंद्रगढ़ की रैली में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको कांग्रेस का पटका पहनाया, राहुल गांधी भी मौजूद थे। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अशोक तंवर मंच पर थे, बताया जा रहा है कि वो अपने किसी कार्यक्रम में थे, बीजेपी के किसी कार्यक्रम में कहीं पर मौजूद थे, और फिर वहां से वो महेंद्रगढ़ पहुंचे और कांग्रेस में शामिल हो गए। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक घटना हरियाणा के अंदर कही जाएगी, क्योंकि बीजेपी में अशोक तंवर चुनाव लड़ रहे थे पिछले अभी के लोकसभा चुनाव में, सिरसा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वोटिंग से पहले, मतदान से पहले हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका। बीजेपी के नेता अशोक तंवर अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अशोक तंवर की अगर बात की जाए तो उनका राजनीतिक जो करियर है ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प रहा है। अशोक तंवर की कांग्रेस अगर बदलने के लिहाज से देखा जाए तो चौथी पांच पार्टी है। अशोक तंवर 2019 के चुनाव तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव से एक महीने पहले उनको पार्टी से हटा दिया गया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, काफी हंगामा हुआ था दिल्ली के अंदर 2019 में, मुझे आज भी याद है कि काफी सोनिया गांधी के घर के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बड़ा काफी हलचल वहां पर उस वक्त हुई थी, और उसके बाद अशोक तंवर अड़े हुए थे टिकटों को लेकर, फिर बाद में उनको पार्टी छोड़नी पड़ी, कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन रहा था वो अपने आप में कांग्रेस को भी उस तरह की उम्मीद नहीं थी, उस वक्त इस तरह की बातें चल रही थी, कांग्रेस का कहना था कि अगर हमें थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो हम सरकार बना जाते, वो बात है। उसके बाद अशोक तंवर ने अपने एक मंच बनाया, उन्होंने अपने एक खुद का मंच बनाया, संगठन बनाया, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी राजनीति की। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने टीएमसी पार्टी को ज्वाइन किया, टीएमसी में कुछ दिन रहे, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, आम आदमी पार्टी में भी वो काफी एक्टिव रहे कुछ दिन तक, उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, बीजेपी में उन्होंने टिकट बीजेपी का मिला सिरसा लोकसभा से, और कुमारी शैलजा के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, और अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं अशोक तंवर। 2019 के विधानसभा चुनाव में अशोक तंवर किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। 2019 के चुनाव में अशोक तंवर ने जेजेपी के लिए भी प्रचार किया था और इनेलो के लिए भी प्रचार किया था, कुछ सीटों पर जेजेपी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, कुछ सीटों पर इनेलो के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे जो उनके करीबी थे उनके लिए भी उन्होंने प्रचार किया था। तो अशोक तंवर की राजनीतिक जो यात्रा रही है, जो सफर उनका रहा है सियासत का, वो काफी दिलचस्प रहा है। पिछले 5 साल में एक तरीके से अशोक तंवर की यह पांचवीं पार्टी है, कांग्रेस छोड़कर टीएमसी, खुद का मंच, फिर टीएमसी, फिर आम आदमी पार्टी, फिर बीजेपी, और ये अब कांग्रेस में उनकी घर वापसी। अब कांग्रेस में घर वापसी किस तरह से हुई है, क्या अशोक तंवर को कुछ महसूस हो रहा है सरकार को लेकर, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या बीजेपी में जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, जो वो चाहते थे, क्या वो सब कुछ नहीं मिल पाया, क्या कांग्रेस की तरफ से जोर लगाया जा रहा था अशोक तंवर को पार्टी में शामिल करने को लेकर, यह अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्टेट हेड जितेंद्र, अशोक तंवर का कांग्रेस में आना कांग्रेस को किस तरह की मजबूती, कहां कहां पर मजबूती देगा, अशोक तंवर के लिए किस तरह के फायदे इसमें छिपे हुए हैं, किस तरह की कोशिशें अशोक तंवर को लाने की हो रही थी, क्या उन्होंने खुद से ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे पार्टी में वापस आना है, घर वापसी करनी है, या कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से उनसे बातचीत की जा रही थी, और आज महेंद्रगढ़ में ही वो क्यों शामिल हुए, खबर इस तरह की भी है, चर्चा इस तरह की भी है कि वो किसी कार्यक्रम में बीजेपी के प्रोग्राम में थे, फिर वहां से वो महेंद्रगढ़ पहुंचे और कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें जो आपने बात कही नासिर, इसके अंदर भी अगर हम देखें, क्योंकि अभी से 10 मिनट पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पेज है उस पर ये वीडियो भी डाली गई है, और उसमें लड़ाई लड़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है दलितों के हक की, और मजबूती जो है इस ज्वाइनिंग से मिलने की बात कही जा रही है।
ज्वाइनिंग के पीछे कब से इसकी तैयारी चल रही थी, ये अभी पूरे तौर पर कुछ देर में जो पूरी स्टोरी है वो सामने आ जाएगी। लेकिन अशोक तंवर की ये ज्वाइनिंग जो है वो अंतिम बॉल पर, ये कह सकते हैं सिक्सर के तौर पर इसलिए देखी जा रही है क्योंकि अशोक तंवर की अगर हम इससे पहले ही एक घंटे पहले की पोस्ट करें ना, सिर्फ क्योंकि हम अपने दर्शकों से बात करते करते ये पोस्ट देख रहे हैं, तो करीब एक घंटे पहले जो है वो भाजपा के जो नेता हैं उनके चुनाव प्रचार की तस्वीरें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। वो एक घंटे पहले तक भाजपा के नेता थे और उनकी जो ये फेसबुक के अंदर जो पोस्ट हम देख रहे हैं उस पोस्ट में रामकुमार गौतम के साथ वो नजर आ रहे हैं, भाजपा के मंच पर वो नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर बाद जो परिस्थिति है वो कैसे बदलते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये एक घंटे पहले की पोस्ट है, अब जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे ठीक एक घंटे पहले की पोस्ट है। तो ये और साथ ही साथ एक ये चेंज किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी से उनकी नजदीकी पहले भी मानी जाती थी, अजय माकन के साथ, अवंतिका माकन जो उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है, उनका भी जो राजनीतिक तौर पर एक अच्छा खासा रसूख है, कांग्रेस में जो है एक रिश्तेदारी एंगल भी जो है यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान पर वो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उस घटनाक्रम बढ़ा, गुटबाजी बढ़ी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया था। उस वक्त की भी हमने तस्वीरें देखी थी कि किस प्रकार से अशोक तंवर जो है कांग्रेस छोड़ करके अलग पार्टियों के अंदर जाते हुए नजर आए थे। तीन पार्टी जो है कांग्रेस के बाद उन्होंने बदली थी और अब दोबारा जो है कांग्रेस के अंदर वापसी, और ऐसे मौके पर वापसी जहां बीजेपी ये माहौल बना रही हो कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है या कुमारी शैलजा का प्रचार ना करना है, वो अपने आप में एक दलित विरोधी चेहरे के तौर पर कांग्रेस को दर्शाने की कोशिश कर रही थी, वहाँ बीजेपी में ही एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें लोकसभा का चुनाव भाजपा की तरफ से सिरसा में लड़वाया गया हो जो है, और इसके अलावा भी जो कई मंचों पर जो है उन्हें एक दलित बिल्कुल, और जितेंद्र आपने जिस तरह से बताया था उनका एक घंटे पहले का पोस्ट, आज दो कार्यक्रमों में शामिल हुए अशोक तंवर बीजेपी के, इससे पहले नलवा में थे वो, और नलवा में उन्होंने बीजेपी के लिए मंच साझा किया, बीजेपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। तो अशोक तंवर की अगर बात की जाए, उसमें उन्होंने लिखा था नलवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रणधीर पनिहार के पक्ष में गत दिवस आयोजित रैली को संबोधित किया और वो भारी बहुमत से जीतेंगे, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी हरियाणा में। उन्होंने इसमें टैग भी किया था कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को और बीजेपी फोर हरियाणा को। फिर चुनाव के अंतिम दिन सफेदों में थे वो, रामकुमार गौतम के लिए प्रचार कर रहे थे जिस तरह से आपने बताया, और फिर उन्होंने उसमें एक और जो टैक्स लिखा कि जनता के आशीर्वाद से जन आशीर्वाद रैली में उपस्थित जनों को संबोधित किया और 5 अक्टूबर को कमल के फूल पर बटन दबाकर बीजेपी के प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। तीसरी बार हरियाणा में हरियाणावासी तीसरी बार नॉन स्टॉप विकास वाली भाजपा सरकार को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। कहते हैं ना वो जो एक काफी सोशल मीडिया वायरल हो रहा था कि अचानक से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो इसी तरह से अशोक तंवर के लिए भी, बीजेपी के बहुत से नेताओं के लिए भी और कांग्रेस के बहुत से नेताओं के लिए भी वक्त बदल गया, हालात बदल गए और जज्बात बदल गए। और अब अशोक तंवर ने अपनी जो डीपी थी वो भी चेंज कर दिया बताया जा रहा है, इसमें उन्होंने अभी फॉर्मर सिरसा एमपी लिख दिया है और बाकी कुछ चीजें अभी उन्होंने लिखनी है। अब हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उनके इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर एक और तस्वीर हो सकता है कि थोड़ी देर बाद पोस्ट कर दी जाए। मेरा एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल यह है जितेंद्र, कि बीजेपी के लिए इसको कितना बड़ा झटका माना जाए, अशोक तंवर का बीजेपी में आना और अशोक तंवर का बीजेपी से जाना, क्योंकि बीजेपी के लिए झटका इसलिए है नासिर, क्योंकि आज चुनाव प्रचार को लेकर के अंतिम दिन है, अब से कुछ ही घंटे बाद 6 बजे के बाद जो है पूरे तौर पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। भाजपा के बड़े बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, वो इस मसले पर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए थे, लेकिन कांग्रेस अंतिम दिन में इस तरीके का जो है मास्टर स्ट्रोक खेलेगी, ये शायद भाजपा को भी अनुमान नहीं था। और अशोक तंवर भी जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार में चल रहे थे, तो शायद इस बात का इल्म भी जो है वो नहीं होने दिया है।
अंतिम समय में इस प्रकार की ये ज्वाइनिंग ये दर्शा रही है कि किस तरीके से सिरसा क्षेत्र के नेता सिरसा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी होगी नासिर, के सिरसा में जहाँ फ्री हैंड एक तरीके से दिया गया था, गोपाल कांडा के सामने जो उम्मीदवार है वो भाजपा की तरफ से हटा लिया गया था, दूसरी तरफ इनेलो गोपाल कांडा का साथ दे रही थी, तो ये माना जा रहा था कि वहाँ उस क्षेत्र की जो सीटें हैं, सिरसा क्षेत्र की जो सीटें हैं, वहाँ कहीं ना कहीं जो INLD फैक्टर और जो दूसरी तरफ अगर हम बात करें गोपाल कांडा जो फैक्टर है, उस फैक्टर के मार्फत सीटें निकल करके आ सकती हैं। एक अलग अलग समीकरणों पर जो चर्चा सियासी गलियारों में हो रही थी, लेकिन इस स्टेप के बाद ये कह सकते हैं कि जो स्टेप ये लिया गया है इसके बाद अब और भी ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो भाजपा के लिए हो गई हैं, क्योंकि दोनों ही नेता सिरसा से बिलोंग करते हैं, कुमारी शैलजा भी, अशोक तंवर भी, और दोनों ही जो नेता हैं वो अपने आप में अब सिरसा के अंदर जो मुकाबला है उसे और कड़ा करते हुए नजर आएंगे। और इस ओर इशारा ये यहाँ पर होते हुए नजर आता है कि जो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये जो पूरा स्टेप लिया गया है, इसके बाद चुनावी माहौल में अब अंतिम रूप जो इस वक्त मतदाता बनाता है उसमें ये ज्वाइनिंग बहुत बड़ा योगदान रखती है। अब इसका कितना असर होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अब तक जो कांग्रेस को जो भाजपा के नेता कुमारी शैलजा के नाम पर जो है घेरने का काम कर रहे थे, इस ज्वाइनिंग के बाद अब भाजपा के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से इन बचे हुए घंटों के अंदर चुनाव प्रचार और लोगों के बीच में इस प्रसार को किया जाए, क्योंकि जैसे ही ये क्लिप आई है पूरे हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप पर ये मैसेज जो है बहुत तेजी से वायरल होता है, खासतौर से ऐसे चुनावी समय में तो और भी ज्यादा तेजी से वायरल इस प्रकार की चीजें होती है। तो इस मैसेज के बाद अब ये देखना है कि भाजपा जो है वो अब इसका डैमेज कंट्रोल किस प्रकार से करती है, क्योंकि जो डैमेज भाजपा कांग्रेस को देना चाह रही थी अशोक तंवर की इस जॉइनिंग के बाद, वो दोबारा भाजपा के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है इस जॉइनिंग के बाद। शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए जितेंद्र आपका। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि अशोक तंवर एक बार फिर से कांग्रेस में वापस आ चुके हैं, कांग्रेस में वापसी हो चुकी है, अशोक तंवर की घर वापसी हो चुकी है, बीजेपी के नेता अशोक तंवर अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी ने उनको कांग्रेस में शामिल कराया, कांग्रेस में ज्वाइन कराया। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर, आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है, एक बड़ी खबर, और अब एक और ये बड़ी खबर आई है, अशोक तंवर पूर्व सांसद और उनका राजनीतिक सफर अभी फिलहाल कांग्रेस के साथ आगे चले, पिछले 5 साल में उनकी पांचवी चौथी पार्टी है जो वो शामिल हुए हैं, टीएमसी में भी रहे कुछ दिन, आम आदमी पार्टी में रहे, बीजेपी में रहे, और अब अशोक तंवर आ चुके हैं अब कांग्रेस में। अशोक तंवर के साथ एक दिलचस्प पहलू ये भी है, मैं आपको एक और दिलचस्प पहलू बता दूं कि युवा नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी वो माने जाते रहे हैं, बहुत कम उम्र में वो सांसद बने थे, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के टिकट पर सिरसा से चुनाव लड़ा था, मतभेद होते हैं अलग तरीका के अलग तरह से, और फिर दूसरी बात अगर बात की जाए तो फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद सबसे दिलचस्प बात अशोक तंवर के साथ ये जुड़ी कि उन्होंने हरियाणा में लगभग सभी पार्टियों के लिए प्रचार किया, कांग्रेस के लिए प्रचार किया, उसके बाद जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो कुछ दिन बिना किसी पार्टी में शामिल हुए उन्होंने JJP के लिए प्रचार किया था और इनेलो के लिए भी प्रचार किया, उन्होंने गोपाल कांडा के लिए भी प्रचार किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए भी प्रचार किया अशोक तंवर ने, उन्होंने TMC में तो शामिल होते, हरियाणा की अगर बात की तो BJP के लिए भी प्रचार किया और कांग्रेस के लिए भी प्रचार किया, और हो सकता है कि आज किसी मंच पर रैली में नजर आ जाए कांग्रेस के किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हो। तो अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, अब देखना होगा कि कांग्रेस के साथ आगे का सफर उनका कैसा रहने वाला है, लेकिन आज कांग्रेस ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की और बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका अशोक तंवर के रूप में लगा है जो पार्टी छोड़कर चले गए।